Okay, grade 4, next topic is lungs. What job does the lungs do? Lungs are very important organs. They help us to speed up oxygen, to spread oxygen throughout the body and get rid of carbon dioxide. Lungs हमारी body का एक ऐसा important organ है कि जो हमारी body के अंदर oxygen को जो है वो spread करता है, हमारी body के parts तक जो है वो spread out कर देता है और हमें carbon dioxide जो poisonous gas है हमारी body के अंदर मौजूद नहीं होनी चाहिए उससे हमें निजात देता है. हमारे पास लंग्स लंग्स होते हैं. लंग्स यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक है. रेस्पिरेटरी सिस्टम से कंसर्न करता है. रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास नोस्ट्रिल्स लेरिंग्स फेरिंग्स ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स एल्वोलाई एल्वोलर सैक एंड देन लंग्स. यह हमारे पास जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक है. देन अगर आप सांस लेते हैं तो क्या होता है, यानी कि जब आप ब्रेथ इन कर रहे होते हैं सांस ले रहे होते हैं तब क्या होता है, इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, आपके लंग्स जो हैं वो उनका साइज बिगर हो जाता है, वो एक डोम साइज गुंबद की तरह बन जाते हैं और आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को जो है वो इनहेल करना स्टार्ट कर देते हैं जो आपकी सराउंडिंग एयर में मौजूद होती है. देन जब आप ब्रेथ आउट एक्सहेलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, एक्सहेलेशन के प्रोसेस में आपके लंग्स जो बहुत ज़्यादा डोम शेप में आ चुके होते हैं, गुंबद की तरह बन चुके होते हैं, वो वापस अपने ओरिजिनल प्लेस में आ जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होती है उसको एक्सहेल कर देते हैं, आपकी बॉडी को नहीं चाहिए होती उसको रिलीज कर देते हैं. देन है स्टूडेंट्स इंटेस्टाइन्स. इंटेस्टाइन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती है. इंटेस्टाइन आपको यहाँ पे वर्किंग दी हुई है इंटेस्टाइन की, क्या आपकी इंटेस्टाइन क्या है और उसकी वर्किंग किस तरह से होती है. इंटेस्टाइन जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है. मैंने आपको पहले भी बताया था हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की इंटेस्टाइन होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन एंड अदर वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन जो हैं वो ट्यूब्स और बोन्स की तरह होती हैं, ट्यूब्स और हॉसेस की तरह होती हैं और ये कॉइल्ड अप होती हैं एक दूसरे से ऊपर. कॉइल का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर लिपटी भी होती हैं और एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिट होती हैं. इनमें कोई भी स्पेस नहीं होती है. ये आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होती हैं. इन्हीं के थ्रू जो है वो आप अपना फूड जो है वो स्वेलो कर पाते हैं. देन वर्किंग क्या है, इंटेस्टाइन हमारी बॉडी के अंदर वर्क किस तरह करता है. इंटेस्टाइन जो है वो हमारी बॉडी इंटेस्टाइन टेक फूड फ्रॉम योर स्टमक एंड ट्रांसपोर्ट वेस्ट फूड टू योर एनस वेयर इट लीव्स योर बॉडी. एनस वो पार्ट है इंटेस्टाइन का जहाँ पर वो आपकी बॉडी को लीव आउट कर देता है, छोड़ देता है, आपकी बॉडी से कनेक्शन उसका खत्म हो जाता है एंड देन वहाँ से एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट होता है. इंटेस्टाइन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर से फूड को जो है वो ले लेती है. फूड जब हम खा रहे होते हैं हमारी बॉडी में सबसे पहले तो वो स्टमक में ही जाता है ना, स्टमक के अलावा तो वो कहीं नहीं जाएगा, कहीं लंग्स में नहीं चला जाता, लिवर में नहीं चला जाता, नहीं वो सबसे पहले ही हमारे स्टमक में जाएगा. देन वो ट्रांसपोर्ट होगा फूड एनस तक. हमारे एनस स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से एनस तक हमारा फूड जो है वो ट्रांसफर होगा. देन दे हैव टू डाइजेस्ट द फूड यू ईट एंड गेट रिड ऑफ फूड दैट योर बॉडी डजंट नीड. ये आपकी बॉडी को जो है हेल्प करती हैं कि इसने कौन सा मटीरियल जो है, कौन सा फूड मटीरियल जो है वो डाइजेस्ट करना है और जितना वेस्ट फूड मटीरियल रह जाता है उसको ये एक्सक्रीट कर देती है. एक्सक्रीट बहुत से तरीकों से होती है, यानी कि आपको स्वेटिंग हो गई तो एक्सक्रीट हो गया फॉर सच एन अदर एग्जाम्पल. एज द फूड ट्रेवल्स अलॉन्ग द इंटेस्टाइन, जैसे जैसे फूड जो है वो हमारे इंटेस्टाइन के अलॉन्ग जो है वो ट्रेवल करता रहता है वो इट इज़ ब्रोकन डाउन सो दैट इट इज़ ईजी टू गेट रिड ऑफ. वो ब्रोक होता रहता है, टूटता रहता है ताकि हम उसके जो वेस्ट मटीरियल है उनसे निजात हासिल कर सकें. और फूड जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 4 से 5 घंटे तक रहता है. 4 से 5 घंटे तक का प्रोसेस होता है जिसमें हमारा फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है. होप आपको ये 4 टॉपिक्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे. आपने इनकी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से लर्न करना है और कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको तो आपने बुक को खोल कर देख लेना है या आपने इन टॉपिक्स को इतनी केयरफुली लर्न करेंगे. आई होप इंशाल्लाह आपको इसमें वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और आपने इसकी वर्कशीट जो है साथ ही अटैच है वो भी बहुत केयरफुली सॉल्व करनी है और इसकी ट्रांसलेशन चैप्टर भी जो है वो लास्ट में करनी है रीडिंग के साथ. और डिफिकल्ट वर्ड्स जो आपको नहीं समझ में आ रहे उनको आपने हाईलाइट कर लेना है.